अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूअर्स? ठीक ठाक, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको, आसिफ भाई हैं हमारे, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे भाई हैं, उनसे आपके तारुफ कराऊंगा, उनकी कला दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अपन वहाँ जाके आपको भी दिखाते हैं और मेरी फील्ड से रिलेटेड जो काम है वो भी दिखाऊँगा मैं आपको, और मिलते हैं आपको इंशाल्लाह। ये कि थोड़ा सा हम खाना खा लें, ये आज बिरयानी बनी है, तो थोड़ी सी बिरयानी बिरयानी खा के फिर चलते हैं। अभी टाइम हो रहा है 7:30, तो तकरीबन इंशाल्लाह बस खाना बना खा के बस वहाँ से निकल के पहुँचते हैं, फिर आपको उनसे भी मिलवाते हैं, उनका इंटरव्यू भी लेंगे इंशाल्लाह, फिर जैसा भी होगा आपको गाइड कर देंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, जब तक के लिए वेट करें। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक खैरियत से हैं? ठीक ठाक खैरियत से, अल्लाह का शुक्र है, करम है। आ जाओ आ जाओ, आइए अली भाई, आप हमारे स्टूडियो आ गए होते हैं। आशा चाहिए माशाल्लाह। ये हमारा स्टूडियो है, ठीक ठाक है, दोस्त हैं शायद भाई, बहुत हमारे पुराने साथी, और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा माशाल्लाह टेक्सटाइल डिज़ाइनर भी हैं और कैलीग्राफी भी आजकल कर रहे हैं माशाल्लाह। इनको इंट्रोड्यूस करवाना है आगे इसमें इस फील्ड के अंदर, तो माशाल्लाह आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छा इनका काम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये तो दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, ये पिक्चर्स इस टाइप की उन्होंने पेंटिंग बनाई थी। इसकी फोटोग्राफी भी दिखाते हैं इंशाल्लाह, और बाकी ये जो फ्रेम व्रेम मैंने बना के रखे हैं अपने घर में, छोटा सा स्टूडियो बनाया हुआ है इन्होंने, और ये बड़ी पिक्चर थी। और संगीत का भी हमारे यहाँ, क्या कह रहे हैं आप, संगीत का भी मेरे माशाल्लाह बड़ा अच्छा इंतज़ाम मैंने किया हुआ है, और मैं गजल सिंगर भी हूँ। अच्छा, तो आपको कभी वो, तो वो अलग चीज़, वो अलग है, वो अलग बाद में दिखाएंगे बिल्कुल। आप अभी अभी इंशाल्लाह पेंटिंग जो उसका है बिल्कुल, ये चीज़ दिखाने आए बिल्कुल, बाकी दिखाओ आसिफ भाई। हाँ, क्या क्या चीज़ें आपने बनाई सर? आजकल कुछ कैलीग्राफीज क्रिएट किए हैं मैंने, कुछ अपने आइडियाज किए हैं, तो ये देखिए पहला इंशाल्लाह आ रही है, उसमें मैंने अल्लाह के नाम लिखे हैं, कुछ फूल पौधे दिखाए हैं बैकग्राउंड में, तो उसमें अल्लाह के नाम देखे हैं, अभी मौसी मौसी जल मछली हो दिलवाली हो, अल्लाह के नाम है ये लगा है, और ये नई चीज़ें कल ही बनाई है, उसमें भी मुख्तलिफ अल्लाह के नाम हैं। सही, तो ये बहुत से हैं, ये इसको फिर फोकस भी कर पाए। हाँ सही, बेहतरीन बेहतरीन, और ये देखिए अलहम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, और हर पेंटिंग की थीम अलग रखी है, उसका एक स्टाइल अलग रखा है, उसमें कलर स्कीम एक अलग रखी है, ताकि कोई भी क्लाइंट उसकी तबीयत के मुताबिक उसको कलर मिल सके, इसलिए डिफरेंट कलर्स हमने यूज़ किए हैं और डिफरेंट स्टाइल इसमें फॉलो किए हमने, और ये देखिए बोल्ड जबरदस्त बोल्ड यूज़ किया है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखी है, और इसमें हमने बोल्ड भी यूज़ किया है, ज़बरदस्त बहुत अच्छी कलेक्शन है माशाल्लाह। और एक और देख लें, ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है, और रहमान और रहीम, सही बेहतरीन,
अच्छा, इसके अलावा आसिफ भाई, इसके अलावा आसिफ भाई क्या नाम है, और कलेक्शन है आपके पास? जी माशाल्लाह, मेरा असल बेसिक जो काम है वो पेन एंड इंक वर्क है ऑन पेपर। तो पेन एंड इंक में मेरा एक ज़माने से काम चल रहा है और अल्लाह का शुक्र है मेरे क्लाइंट भी उसी के है। ये जो पेंटिंग्स हैं कलरफुल कैनवस पे, ये मैं खेल कूद मेरे लिए एक समझ लें कि ऐसा है कि मैं बस दिल चाहता है कभी उन चीज़ों से घबरा कर थोड़ा सा फिर इस तरफ आ जाता हूँ, कलरों में आ जाता हूँ, थोड़ा कलरों को से दिल पहनता है, खुश होता है, तबीयत अच्छी लगती है। मेन काम क्या है मेरा? मेन जो वो है पेन एंड इंक, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरा असल जो मेरा सब्जेक्ट है वो ये है पेन एंड इंक। जबरदस्त। अच्छा, ये पाकिस्तान से बाहर भी आपका जाता है आपका? अल्लाह का शुक्र है, मेरा तमाम ममालिक में मेरा काम यहाँ से जाता है और मैं कोरियर करता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है मैं घर बैठे अल्लाह पाक मुझे बहुत अच्छी रोजी दे रहा है और बहुत अच्छा है। आर्ट गैलरीज वगैरह में मैं जाता हूँ। यहाँ डिफेंस लिफ्टन में तो समझ लें एक वक्त गुजर गया, और यहाँ के लोग बहुत माशाल्लाह से यहाँ काम दिया, अब अल्लाह पाक ने बहुत अच्छे लेवल पे माशाल्लाह मेरा काम जाता है, बिकता है, तो अल्लाह का बहुत एहसान। ये तोते रखे हैं आपने? जी माशाल्लाह, शौक है मुझे थोड़ा सा भाई, मैं तोते दिखाता हूँ आपको, इनके शौक दिखाता हूँ। वाह भाई, ज़बरदस्त। ये बैकग्राउंड आपने रखा हुआ है? हाँ, ये मैं खिड़की में से मैं इनकी आवाज़ें सुनता रहता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, और मुख्तलिफ बर्ड्स हैं मेरे पास, मैंने इसमें रखे हुए हैं। ये ऐसा शौकिया रखे हुए हैं बिजनेस? नहीं, शौकिया। अच्छा, शौकिया रखे हैं। शौकिया रखे हैं इसलिए कि बिज़नेस का मेरे पास टाइम नहीं, अल्लाह पाक ने मुझे इतना अच्छा बिज़नेस दिया हुआ है। सही। तो बस ये शौक के हवाले से रखे हैं मैंने, और कुछ और परिंदे रखना तो एक अच्छी बात है, परिंदे रखना चाहिए घर में। बिल्कुल। और आप लोगों को भी मैं कहूँगा कि ऐसे शुगल रखने चाहिए जिससे तबीयत ज़रा बहली रहती है, खुशबहाल रहते हैं। खुश। सही। तो ये भी है कनेक्शन, कलेक्शन आपके पास? अच्छा, ये शायद बैग है। इंटरव्यू जब आप करेंगे तो अच्छा, हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, दिखाएं शायद भाई, दिखाएं। ठीक है, माशाल्लाह ये पेनाफ्लेक्स पे इन्होंने बनाई है, ये भी मैंने पिक्चर्स ली थी इनकी, पेनाफ्लेक्स पे बनाई है, ये भी मैंने पिक्चर्स ली थी, इन्होंने फ्रेम में कराई थी, ज़बरदस्त। ये मेरे दुबई के क्लाइंट हैं, उनके लिए मैंने ये बनाई थी। अच्छा। और माशाल्लाह दुबई गई थी मेरी पेंटिंग, तो ये अच्छा इसका ग्लुक था, तो मैंने इसको फिर अपने घर के लिए पेनाफ्लेक्स पर इसको प्रिंट निकलवाया। सही। तो ये अपने घर की जीनत के लिए। आप लोगों ने पेंटिंग देखी, और क्या नाम है अपना, शायद भाई हैं आसिफ भाई के जो फ्रेंड हैं, तो उनसे पूछते हैं ये इसका बोलते क्या है इसको। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। और शायद भाई ये इसको बोलते क्या है? बोलते हैं ये कैलीग्राफी है, अरबिक कैलीग्राफी। अच्छा। तो इसमें इस्तेमाल किया सारी पेंटिंग में, इसमें मेरे कुछ भी लगाव है, इसलिए मैं सारे उसमें खतरे इस्तेमाल किया है। तो बैकग्राउंड में अरबिक आर्ट, टर्किश आर्ट, ये यूज़ किया है। तो ये पेपर का कोई नाम वाम होता है? पेपर पे नहीं, ये पेपर बनते हैं, लेकिन मैंने कैनवस इस्तेमाल किया है, कैनवस को टेम्परेरी कलर इस्तेमाल किया है। अच्छा, सही। तो ये है कि इनके आपको मैंने दिखा दिए, एक और बात दिखा देता हूँ पढ़ने में। और एक बात आपको बताऊँ, ये मेरी पहली कोशिश है, पहली कोशिश में आसिफ भाई ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत माशाल्लाह। आप भी आ जाओ आसिफ भाई, इधर आ जाओ, आगे खड़े हो जाओ। आसिफ भाई ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे एक तरह से मुझे पॉलिश किया उन्होंने। अच्छा। तो आज मैं इसको कमेंट कर मुझे परखा कि हम एक काम तुम कर सकते हो। माशाल्लाह, बहुत अच्छी माशाल्लाह।
अगर वो हमें स्टेप ना देते, हमें जिंदगी में चलने के लिए रास्ता ना देते, तो शायद हम आज पता नहीं कहाँ भटक रहे होते। तो मैं बहुत बहुत फारूक अंसारी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। और फारूक अंसारी साहब आपके उस्ताद थे, मेरे उस्ताद जी, मेरे उस्ताद थे, और शाहिद भाई के उस्ताद थे। टेक्सटाइल के हवाले से हमने टेक्सटाइल में वक्त गुजारा है, तो अल्लाह का बड़ा एहसान है। और मैं फारूक भाई को बहुत मुबारक देता हूँ। फारूक अंसारी साहब आपके उस्ताद थे, मेरे उस्ताद जी, मेरे उस्ताद थे, और शाहिद भाई के उस्ताद थे। टेक्सटाइल के हवाले से हमने टेक्सटाइल में वक्त गुजारा है, तो अल्लाह का बड़ा एहसान है। और मैं फारूक भाई को बहुत मुबारक देता हूँ। जब जब मुझे याद आती है, मैं दुआ दुआ निकले बगैर उनसे हार जाता हूँ। और मैं बहुत प्यार करता हूँ उनसे। इंशाल्लाह से उनको अपने घर में बुलाऊंगा और एक अच्छी सी हम संगीत की पार्टी रखेंगे, उसका भी ब्लॉग दिखाएंगे। बिल्कुल बढ़िए समझ लें कि हमें इस मुकाम तक पहुँचाने वाले फारूक भाई साहब हैं। ये है कि इनकी फोटोग्राफी कर लेते हैं, ठीक है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। ये कैमरा दिखा दें आपको, ये भी और है। हाँ तो कौन सी पिक्चर से? हाँ भाई, पहली कौन सी है? स्टार्ट करते मेन कंडीशन रख देता हूँ। हाँ सही, ठीक है, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो माशाल्लाह अली भाई हमारे कैमरामैन बहुत अच्छे कैमरामैन हैं और बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं। तो ये स्टार्ट ले लिया इन्होंने, अब ये पेंटिंग का फोटोग्राफ लिया है। ये देखें पिक्चर सही है, और ये देखिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लुक है। ये है कि सारी चीज़ें निकल गई हैं, काम कर दिया है सारा। और आसिफ भाई और उनकी फ्रेंड्स जो हैं वो देख रहे हैं वीडियो, जिन्हें मैंने एडिट करके दे दी। ये दोनों लगे हुए हैं, देख रहे हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी आप ये बताइएगा, और आगे आगे इंशाल्लाह और भी चीज़ें आपको आपसे शेयर करते रहूँगा इंशाल्लाह। और बस लाइक करें, इसको शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर दें। बस आपसे ही इल्तिजा, और क्या बोलूँ मैं। और ये कोई स्पॉन्सर नहीं है आसिफ भाई का, कोई वो कोई ऐसे ऐसे तो नहीं है, इसके स्पॉन्सर तो नहीं है वीडियो ये कोई? नहीं नहीं जनाब, बिल्कुल ये मेरे दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त हैं अभी, और ये बहुत मुखलिस हैं मेरे काम से मुझसे। और ये इन्होंने एक रुपया मुझसे नहीं लिया,
और ये मोहब्बत में काम कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको बहुत आगे तक लेके जाए और इनको बहुत खुशियाँ दे, इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। लाइक कर दो, कमेंट कर दो, ये तो बोल दो। हाँ प्लीज़ इस चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे बढ़ाइए, ताकि बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और हमारी मोहब्बत ऐसी आगे बढ़ती रहे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस लाइक करो और करते रहो। अल्लाह हाफिज़।